गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आते और कुछ एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आपको मैं सिखा रहे हैं। इसे पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस cos अल्फा इनटू sin x इक्वल टू पाई अल्फा अपॉन sin अल्फा। ये हम प्रूव करना है। सॉल्यूशन कहां से शुरू करें, कौन सी साइड को लेके चले, LHS इसको इंटीग्रेशन आई मान ली थी 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस cos अल्फा sin x। क्लियर? अब बेटा इसे x को रिमूव करना है, और जब भी x को रिमूव करना है तो by P4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई x की जगह पाई माइनस x 1 प्लस cos अल्फा तो कांस्टेंट है, sin पाई माइनस x। ओके, इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस x 1 प्लस cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा sin x, ये सेकंड ये फर्स्ट, एड फर्स्ट एंड सेकंड, तो i प्लस i 2 by 0 टू पाई 1 प्लस cos अल्फा sin x, ऊपर से x इधर से पाई माइनस x, इससे कैंसिल, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा पाई बाई टू 0 टू पाई, पाई बाहर रह जाएगा एक ओपन में चला जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos अल्फा sin x dx। और बेटा इसको करना हम जानते हैं, cos अल्फा कांस्टेंट है, sin x जब sin की सिंगल पावर हो तो टेन वाले फॉर्मूले, इंटीग्रेशन पाई बाई टू 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस cos अल्फा, और इसका फॉर्मूला 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2। तो जब sin और cos में सिंगल पावर होता है तो हम tan वाले फॉर्मूले यूज कराते हैं, इसकी जगह मैं पुट कर देना है तो कांस्टेंट है, टेकिंग एलसीएम 0 टू पाई स्क्वायर एलसीएम आएगा 1 प्लस sin स्क्वायर ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x by 2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan square x by 2 plus 2 tan x by 2 into cos alpha, और then put tan x by 2 equal to the substitutional method differentiation sec square x by 2 1 by 2 dx equal to dt, साथ में लिमिट बदले when x equal to 0 t equal to 0, when x equal to pi t 10 pi by 2 infinite, integration क्या बन गया pi by 2 0 to infinite sec square x by 2 की जगह 2 dt upon, पहले इसको लिख लो t square plus 2 t cos alpha और प्लस 1 t स्क्वायर 2 t cos अल्फा प्लस 1, और ये क्या क्वाड्रेटिक बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड PSM। तो जब भी क्वाड्रेटिक होती है हम PSM को यूज कराते हैं, तो इस 2 से 3 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन पाई 0 टू इनफाइनाइट dt, और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप लोगों को आता होगा, t स्क्वायर की जगह t प्लस जो साइन है वो साइन, फिर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्ट पी उसका हाफ, तो 2 cos अल्फा का cos अल्फा स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस, अगेन t स्क्वायर की जगह t इसका हाफ cos अल्फा माइनस स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपका इंटीग्रेशन पाई 0 टू इनफाइनाइट dt t प्लस cos अल्फा स्क्वायर, और ये क्या बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, जो कि हमारा फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन पाई, फॉर्मूला क्या बना हमारा अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a लिमिट 0 टू इनफिनिटी। क्लियर? तो
इंटीग्रेशन पाई अपॉन साइन अल्फा पुट कराओ पहले इंफिनिट, तो इंफिनिट रखेंगे तो इंफिनिट हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो कोस अपॉन साइन कोट अल्फा, क्लियर। तो इंटीग्रेशन पाई अपॉन साइन अल्फा ये बराबर होता है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स, स्क्वायर को टेन में बदलेंगे क्या लिखेंगे टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा, तो पाई अपॉन साइन अल्फा पाई बाई टू इससे कैंसिल, पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, देन पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा, हेंस तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। करा क्या, इस एक्स को रिमूव करा, एक्स को रिमूव कराने के लिए पी फोर का यूज करा है, क्लियर। और जहां साइन एक्स लिखा हुआ था उसकी जगह पर हमने टेन वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, ओके। और देन फॉर्मूला पुट करने के बाद एलसीएम, बाद में सब्स्टिट्यूशनल मेथड, टी में क्वाड्रेटिक बन गया, और जब टी में क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो हम क्या लगा देंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है, एक बार अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक। कहां से शुरू करेंगे, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इससे डीएक्स क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट बदलें, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो then theta equal to 0 और when x equal to infinite then theta equal to pi by 2, okay। limit क्या हो जाएगी 0 to pi by 2 log 1 plus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta into dx, dx की जगह sec square theta d theta, clear। integration 0 to pi by 2 log sec square theta sec square theta sec square theta d theta, इससे के cancel, बोलो ये 2 कहां जाएगा आगे, I equal to 2 0 to pi by 2 log sec theta d theta, इसको चेंज करें sec को 0 से pi by 2 log 1 upon, ये कितना हो जाएगा minus 2 log cos theta d theta, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला log cos theta d theta equal to minus pi by 2 log 2, ओके। तो minus 2 इसकी जगह क्या देगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू, टू से टू कैंसिल, देन आंसर इज पाई लॉग टू। तो इस तरह से इसे हम डायरेक्टली यूज करा सकते हैं, ओके। थैंक यू।